नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपण मुश्मी प्रथम हेडलाइंस मयूरभंज उदला रेंजे वन कर्मचारी पथर आक्रमण ग्रामवासी आक्रमण में चारि वन कर्मचारी गुरुतर जमुडीहा गाँव में चढ़ाऊ करते वन कर्मचारी शंबर मंस बंधुक और शिकारी को छड़ाई ने मंत्री सुरक्षा में खोद मुखिया महांग मर्डर मामलें तेरह नंबर मुदाला प्रताप जेना जेरा के क्रिकेट टूर्नामेंट पर मंत्री प्रताप जेना एस्कर्ट देखते डीजीपी 2014-2021 चारि हत्या होनी सठिक तदंत पूरी प्रसंगे असल अपराधी को लुचाइवा बड़ षड़ अरुण को सुरक्षा पर राज्य सरकार मागिले कि महलत सेपटे सरकार बर्षे लेखाश्री कहले परी को न्याय नदेक चली चक्रांत कोरोना को नहीं बढ़ला भय प्रथम अष्टम जाए एवं खोल स्कूल गणशिक्षा मंत्री समीर दास सूचना कहले संक्रमण को देखी करनर्विचार सीमांत जिले में कोविड नियम तदारख कर नोडाल अफिसर हेलमेट चेकिंग नारे मयूरभंज कुलियोना पुलिस दादागिरी अभियोग पुलिस माड़े बाइक रु खसिले युवक युवती गुरुतर अवस्था पीआरएम हस्पिटाल भर्ती भद्रक चरंपा निकटर गोरु बोझे पिकअप जबत कोलकाता चलाण बेले 20 गोरु उद्धार पिकअप बोझे ट्रक को अटक रखी पुलिस जिमार देते बजरंग दल अमेरिका गल्फ टाइगर उड्स कार दुर्घटन गुरुतर लॉस एंजल्स दुर्घटना उड्स दुईट गोड़े लगे आघात अस्त्रोपचार होता सूचना एवं सरला डेडलाइन आज प्रति जिले शुभ यात्रा कलाकार विरोधर स्वर तथापि न शुणिले राज्य छाड़बार धमक 2000 दर्शकों मंच में अभिनय मगुचार अनुमति पिहू निखोज घटना को सात मास बीतवाक बसुवा बेले पुलिस किंतु पिहू को खोजबारे विफल सेपटे पुलिस पचराउचरा कर संदिग्ध एवं पिहू परिवार को देले धमक तेबे एने पिहू का माँ बिंझारपुर पुलिस को अवगत कराते पुलिस धमक दे लोकों प्रति कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना सेपटे पिहूर बापा लक्ष्मण नायक को पुलिस बारंबार पचराउचरा जारी रखे पिहू बापा कहवा अनुसार पुलिस तदंत सठिक ढंग से नक कथा को एड़े जावाई बारंबार से हैरान करुच्छे पुलिस स्थानीय लोके पुलिस कार्यानुष्ठान प्रश्न उठाई पुलिस तदंत दिगहरा होता स्थानीय लोके सेपटे स्थानीय लोके पुलिस चोर को सुरक्षा देवा भलीपरी कर अभोग करेतु शासन दुर्बल तेणु पुलिस प्रशासन या सठिक धरण से करते पुलिस तो पिहू को खोजार चेष्टा ही करूना जेहेतु गड़िया पोखरी अजथाड़े आसिक खोजिले तो जेहेतु आम कहलु कि पिला को किए उठे किडनाप करके तो गड़िया पोखरी अजथाड़े आसिक खोजुले जहाँ आमको जहाँ मानसिक चिंता देले छड़ा किसी नुह तापर भी क्या सब डकई आम हाफ किलोमीटर हम से भी पोखरी कम गोटे चलता झी हजला टाइम तो डकई जेहेतु से मैंने भी आसिकी आमको बहुत असभ्य भाषा मो माँ को मत बहुत असभ्य भाषा कर गाली गुलज कले कहीं आज जेहेतु आम घर पाखे असभ्य भाषा कर गाली दे जापार घरे जेहेतु मो भाई मैंने भी बाहर को पलैले मो हजबैंड केत कम को जात घर रोच नवस्था जी कौन आम माँ झी मो छुआ मो छोट पुअर जदि कौन क्षति हुए तो पुलिस प्रशासन जो बिंजारपुर पुलिस ही दायी हे कहीं चार दिन है प्रोटेक्शन दे पार ना जे गाड़ी देते भी डाकिक पचारि पार ना तो आमको आम पिला को खोजिक आने देवे बोले कौन विश्वास भरोसा रही है पिहू हूँ मो झीटा मो झी को मुझा मुझे सुरक्षा दवा बदल से मत डाक कौन तुम्हें नहीं रखी कि ये कर मो झी को मो सुरक्षा देवी केमी से चाहिए पुलिस कतरे कौच मो झी को किए नहीं जिते झीटा जा ठीक जदि पुलिस तदंत करता सी ठीक आसामीटा को निश्चय पाईपर आम जोटा कही आने खाली आम पर डाक पचराउचरा करवाटा से वृथा खाली चढ़ाऊ कर फेर बेले वन कर्मचारी आक्रमण अभियोग पुलिस गाड़ी काच भांगा सह दुई शिकारी बंधुक और मंस छड़ाई नेले ग्रामवासी मयूरभंज उदला रेंज जामुडीहा अंचल एभली घटना देखा मिली जिलार जामुडीहा अंचल चढ़ाऊ कर वन कर्मचारी मंस और शिकारी को नहीं फेरुवा बेले से ग्रामवासी घेरुले वन कर्मचारी माड़ देवासह रेंजर को ठेलापेला जबत शंबर मंस और शिकारी को छड़ाई ने ग्रामवासी
घटनास्थल रे पुलिस पहुंची वन कर्मचारी को उद्धार कर ते वर्तमान जो बड़ खबर आसी पहुंची चढ़ाऊ कर फेर बेले वन कर्मचारी आक्रमण अभियोग हो पुलिस गाड़ी काच भांगा सह दुई शिकारी बंधुक एवं मांस जहाँ छड़ाई नहीं ग्रामवासी मयूरभंज उदला रेंज जामुडिया अंचल एभली घटना देखा मिली जिलार जामुडिया अंचल चढ़ाऊ कर वन कर्मचारी मांस एवं शिकारी को नहीं फेरुवा बेले से ग्रामवासी घेरी आक्रमण करते वन कर्मचारी माड़ देवासह रेंजर को ठेलापेला कर जबत संबर मांस एवं शिकारी को छड़ाई नहीं ग्रामवासी घटनास्थल में पुलिस पहुंची वन कर्मचारी को उद्धार करने तदंत जारी रखा सूचना रही। नजर पकावा परवर्ती खबर पर दिव्यांग को विवाह कले दंपति को मिल 2,50,000 टंका एने सामाजिक निरापत्ता एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग तरफ विज्ञप्ति प्रकाश पाई पूर्व यह क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि 50,000 रही है तेज प्रोत्साहन राशि को बढ़ाई दि जाए एने सब जिलापा विभाग सचिव गाइडलाइन जारी कर धरा पड़ा चाषी प्रति बड़ विश्वासघातकता आषी उपस्थित पर्दाफाश कले केन्द्रमंत्री प्रताप चंद्र षडंगी व्यक्तिगत सहायक चंद्रबिंदु दास नीलगिरी उपखंड विभिन्न मंडी में धान किणारे अनियमितता होता जमापड़ मिलर धान बेपारी एवं समितिर संपादक मधुचंद्रिका ने यह अनियमितता होता अभियोग उठी टोकन सत्वे टार्गेट पूरण होता कही चाषी मान बहु हईराण कर नजर को आसाला पूर्व मित्रपुर निजगढ़ सजनागढ़ सोसाइटी रे एभली अभियोग आसवा पर ईश्वरपुर सेवा समवाय समिति रे अनियमितता चरम सीमार पहुंचे गतकाली ठारु समिति आगरे चासी धारणा रे बसिथिबा बळे घटनास्थल को नीलगिरी उपजिलापाल केन्द्रमंत्री व्यक्तिगत सहायक औपदा जोगाण अधिकारिणी पहुंचुते तेज चाषी मान समस्या बुझा पर समितिर संपादक एवं अन्य अधिकारी पहुंचे केन्द्रमंत्री के व्यक्तिगत अनियमितता होता समस्त प्रमाण तेरे तेणु मानिजा को कहते पर संपादक जनक समस्त घटना मानि जाते चाषी को रजिस्ट्रेशन कला बेले खाता एवं प्लॉट नंबर चंचकता कर सठिक चाषी ठार धान क्रय कर स्वीकार कर बेआईन भाव बाहर को चालाण होता गुरु बोझे पिकअप भ्यान जबत हो पिकअप भ्यान कोड़े ऊर्ध गुरु को उद्धार कर भद्रक टाउन पुलिस को हस्तांतर कर बजरंगकर्मी भद्रक एक पिकअप जोगे कोड़े ऊर्ध गुरु को बोझे करा जाए बेआईन भाव बाहर को चालाण कराला खबर बजरंगकर्मी मैंने सूचना पाई विलंबित रातिर भद्रक स्टेशन छक निकटे गुरु बोझे पिकअप टी अटक रखी घटनास्थल ड्राइवर फेरार हो जा सूचना मिली केन्दुर आनंदपुर वनखंड अधीन बरांग संरक्षित जंगल निकट ग्रामगुड़िक भालुं आतंक बढ़िबार लगे रात समय तीनोटी भालु गाँव भितर को पशि आसी गाँ दाण्डे एणेतेणे चराबुला करिबार सह शिव ऊपर को चढ़ी महुफाणा खाऊ गाँ लोके भालु देखि पाटी करिबारु पाचरी डे इतस्तुत भाव जंगल आड़क पलाय जाइथिले भालु गत किछदिन हेबो संजो नइले भालु जंगल रु बाहरी खाद्य संधान रे गाँ भितर को पशि आसुथिबा देखबा को मिलछि स्थानीय वन विभाग तरफ भालु गतिविधि उपर नजर रखा सह जनसाधारण सुरक्षा दृष्टि ग्राम से बाजा बण एवं लाइट लगाई भालु प्रति अधिक सतर्कता अवलम्बन करने जरूरी हो कोरोनार सेकेंड स्ट्रेन को नहीं बढ़ुच्छे भय सजग रहा राज्य सरकार पक्ष समस्त जिलापाल एसपी को चिट्ठी पर आशा आशंकर भक्त सेवायत और श्रीमंदिर कर्मचारी सेवायत को वैक्सीनेशन करोड एसओपी पालन करपटे सेवायत मान को कोरोना योद्धा भाव घोषणा करने को दावी उपस्थापन कर जगा दर्शन
ଭୟ ଦେଖାଉଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। କରୋନା ଭୟାବହତା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପୁଣି କରୋନା ପାଚେରୀ ଭଳି ଠିଆ ହେବନି ତ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏସ୍ଓପି ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେବାୟତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଏଥିରେ ଶତକଡ଼ା 60 ଲୋକ କିମ୍ବା ଅଧିକା, 60ରୁ ଅଧିକା ତାକୁ ସତର୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। କାହାରି ପାଖରେ ଦେଖିଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10% ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦୂରତା ତ ବଜାୟ ରଖିବା କଥା, ବା ଦୂରେଇ ଥାଉ, ବା ତାକୁ ଆଉ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ବହଳ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଲିନି, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବି। ମାସ୍କ ତ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ବଟ୍ ହେଲେ ବି କିଏ କିଏ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ବଟ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରଖିବା କଥା, ସବୁଠି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା କଥା କି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନି। ପୋଲିସ ଟିକେ ରହିବା କଥା, ଭିତରେ ଜଗିବା କଥା କି ମାନେ କିଏ କେତିକି ଦୂରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ କେୟାର ନେବା କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 9 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ଗହଳି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ପାଳନ ଆବଶ୍ୟକତା, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ସେଇ ଦିନଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତା ରବିବାରଟା, ବୋଧେ କିଛିଟା କ୍ରାଉଡ଼ କମିଯାଆନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ମିଳାମିଶା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଟିକା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଗ ସେବାୟତ ଟିକା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ବି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଛୁ ପୁରୀ ସହରରେ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛୁ, ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ହୁଏ, ମାସକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳି ଖଟୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଚଳୁଛୁ ଏଠି, ଆମେ ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଟିକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ସବୁରେ, ସେଥିରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବୃନ୍ଦକୁ ଡାକି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସକ ବି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିଆସିଛୁ। ସେପଟେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଥିବା କହିଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ସଜାଗ ରହିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ତଥାପି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ବି ଏସ୍ଓପିକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଆହୁରି ସତର୍କ ରହିବୁ। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ତ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ଯେତିକି କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ହିସାବରେ କରାହୁଏ। ତ ଏବେ ହଁ, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ, ପୁଣି ମଝିରେ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ବଢ଼ଉଛୁ, 1000 ପାଖାପାଖି ଆମେ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗା ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବଭଳି କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ର ରିପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନା ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେବ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପୁଣି କରୋନା ଟିକା ଦେବାକୁ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲା କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟିକା ନେଇନଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି କାରଣ ନଥାଇ ଟିକା ନ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ମୃତ୍ୟୁରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଖୋଲିବନି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଲିଛି ପୁନର୍ବିଚାର, ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ।
तेबे आजि प्रथमरु अष्टम श्रेणी स्कूल खोलिबा नै चर्चा हेउथला हेले राज्यरे कोरोनार सेकेंड स्ट्रेन को नै भय देखा दैछि जहां पई स्कूल खोलिबा उपरे एबे सुधा कोनसे निष्पत्ति न्याय जाय नथिबा कहिछन्ते गणशिक्षा मंत्री। तो 9 रु 12 पर्यंत कार्यक्रम स्कूल चली अलरेडी 1 रु 8 संपर्क में संपर्क में किसी विचार करा ना आज आप देखुं कोरोनार पुनर् रिटर्न कथ आप महाराष्ट्र गुजरात लॉकडाउन रिटर्न कर सारे तेणु ए दृष्टिकोण रु 1 रु 8 संपर्क में एपर्तंत किसी खोल संपर्क में किसी नीतिगत भाव में निष्पत्ति होना विचार विमर्श जारी अच्छी। महंगरे राज्य सरकार को छत्र छाया तले चली अराजकता डबल मर्डर घटना रे अभियुक्त को सुरक्षा देउछन्ती खोद सरकार मंत्री प्रताप जेना 13 नंबर मुदाला होता बेले ओलटा पुलिस सुरक्षा रे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देउछन्ती मंत्री प्रश्न उठुछि मंत्री को काहे कि सुरक्षा देउछन्ती सरकार आज नवीन बाबू को पाखरे समय नाही तांकर सरकारी अधिकारी माने शासन चलाउछन्ती नवीन बाबूंकर आज स्वास्थ्य ठीक नहीं बोले तांका सरकारी अधिकारी माने तांकू देखा भी करई दउनांती एवं सेई यालरे ये अंचलर जे विधायक महांगा अंचलर विधायक नवीन बाबूंकर सरकार रो मंत्री जदि तांका निर्देश रे आज हत्याकांड हबो। महांगा डबल मर्डर घटना रे अभियुक्त को सुरक्षा देउछंती सरकार साधारण लोकक रक्त रे होरी खेलिबा को पछाउ नाती बीजेडी दलर विधायक मंत्री सांसद सरकार को छत्र छात्र चली महंगारे अराजकता खूनी मंत्री को छड़ा दी खून करने बीजेपी नेता कुलमणि बराल हत्याकांड रे खुद मंत्री प्रताप जेना को ना 13 नंबर मुदलारे थिबा बेले कोन पई तांको जेरा करा जाइनी बोली प्रश्न करिछि बीजेपी दल अभिचो करिछि क्रिकेट टूर्नामेंट पई मंत्री को डीजीपी देउछंती एस्कॉट मंत्री प्रताप जेना को सुरक्षा देउछंती मुखिया मंत्री प्रताप जेना को प्रति कोन रहिछि मुखिया को दुर्बलता 2014 मसिया रु 2021 मसिया रे चारोटी मुंडो गडीथवा बळे काहे की हेउनी सठिक तदंत गोविंदपुर दुशासन जेना यार्ड को काहे की तदंत परिसर भुक्त को अणा जाउ नाही डबल मर्डर रो मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वास को मृत्यु पछरे कोन रहिछि कारण ताको मृत्यु दुर्घटना ना यहाँ पछरे रहिछि बड़ षड्यंत्र प्रफुल्ल जदि कटक अंचल थिले ओ फोन रे कथा हेउथिले काहेकि ताकू धरि पारु नथिला पुलिस याकु नै साधारण प्रश्न उठिथिबा बेले एहि घटना रे कार्यानुष्ठान दाबी करी बीजेपी जोरदार आंदोलन करबाकू चेतावनी दैछि से माटि रे बारंबार हत्याकांड हबा 2014 मसिया रु ए घटना चलीछि आज धीरे 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 एक कथा बढ़ी चलीछि तेणु करी एभली एक माटी को जो भली भाव रे ए अंचलर विधायक अपमानित करुछंती रक्त रंजित करके माटी को ता विरुद्ध रे भारतीय जनता पार्टी तार आंदोलन जारी रखिबो एवं ए राजनैतिक हत्याकांड को कोनसी मते प्रश्रय दिया जीवो नै जेते बेला पर्यंत दोषी समस्त दोषी इंक्लूडिंग द मिनिस्टर जेते दिन पर्यंत ए आईन रो व्यवस्था भितर को परिसर भितर को तांको न आनिचंती सरकार सेते बेला पर्यंत ए आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पहुंचिबा पर्यंत आंदोलन को निश्चित भाव रे आमे चलेई रखिबा माने आसामी 302 13 नंबर कुलमणि बराल केस रे आईनगत जहाँ कार्यानुष्ठान नवा कथा नियंत मंत्री रखिक मैं नवीन बाबू निजे प्रताप जेना को मुख्यमंत्री करदे भी महंगा लोक खुशी कितु से 302 आसामी हिसाब से दंड पाइबा दरकार ये जो अराजकता एक शांतिप्रिय माटि बुद्ध माटि साहित्य संस्कृति माटि वैष्णव पाणी माटि अराज करुवा नेतार विरुद्ध जेपर्यंत नवीन बाबू दृष्टानमूलक कार्यानुष्ठान न ने से पर्यंत महांगावासी आंदोलन जारी रखे महांगा डबल मर्डर घटना राजनैतिक हत्याकांड पछरे मंत्री को संपृक्ति रो अभियोग 13 नंबर मुदला तालिका रे मंत्री विवाद को आसीचंती तांको पीए बापी बिस्वाल ओ ड्राइवर एई घटना रे उभय को मोबाइल कॉल जांच करबा पई कांग्रेस दाबी करथिला से पटे एई घटना को एते दिन परे भी मंत्री को जेरा करा नजीबा को नै असंतोष प्रकाश करिसंती विरोधी आगामी दिन में जो मंत्री भावुंती जो आईन मंत्री जे चारि चारिटा मर्डर करके खोलार बुलूँ भावुंपरेंगे ना से कथा भूल जावा दरकार 2009 जेपर्यंत ये बाबू जनक महांगा को आसी बारंबार कही महांगार एक अशांति वातावरण सृष्टि कर दी जाती 2014 जदि लक्ष्य करेंगे 2021 भितर
चार पांचटा मर्डर हो सर पॉलिटिकल मर्डर तापर रेप एंड मर्डर प्रतिदिन हो यार घटना होची जेतु पुलिस के निकटतव्य कर दि जाए कहीं निजे यदि मंत्री ना एफआईआर थी बेले से आरेस्ट होनी पुलिस आपको जापनी आरेस्ट करने महंगा बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्यसिंह बराल हत्याकांड को नहीं बद को आसी मंत्री प्रताप जेना घटनार सीबीआई तदंत दाबी कर बीजेपी कर राज्यव्यापी हल्ला बोल डी अफिस् घेराव पुलिस डी को दीर्घ समय धरी घेराबंदी कर रखी बीजेपी नेता आउ एहारो डीआईजी स्तरीय तदंत होगापाई डीजीपी प्रतिश्रुति देखा बेले तदंत तो दूरर कथा घटनार मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाला मृतदेह रास्ता पार्श्वर मिलवा एवं घटना को भिन्न मोड़ दे कहीं तदंत मामला को चापी पड़ू कि चाप या उठी प्रश्न भांगारू शिवानी साहू भुवनेश्वर संतोष जेना और सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज सुना दोकानु 70 लाख टंकार अलंकार चोरी बरगड़ अतापेरा थाना अंतर्गत ब्लॉक छक निकट संबलपुर समवाय बैंक कम्प्लेक्स गहना दोकानु चोरी होछे कम्प्लेक्स सत्यनारायण ज्वेलर चोरी होछे दोकान बंद थी बेले दुर्बृत्त मैंने दोकान पछपटर कांथ फटाई दोकान भितर पशि पाखापाखि 70 लाख टंकार सुना गहना चोरी कर घटनास्थल में जिला एसपी अतापेरा पुलिस पहुंचे तदंत आरंभ कर দেখুন যে অতাবিরার এটা গোটে প্রথম ঘটনা আর ইতিহাস বলে বি চলে যে দিনর দুই দুই দিন দুইপহরের দুই রু চার জাতীয় রাজপথরে ব্লক কার্যালয় ব্লক ছকর পাখে আজকা 1 কোটি ঊর্ধ্ব টঙ্কার মানে সোনা যেটা সোনা দোকানী কৌজন যে 1 কোটি টঙ্কার সোনা চুরি হয়েছে এটা তো বড় বড় ঘটনা আর মানে দিনু দিনকে অতাবিরার মানে এই যে অরাজকতা দেখা যাচ্ছে যে নিশা কারবার বড়তে যাচ্ছে এবে 4 দিন তলে গোটে সাধু বাবার সন্দেহজনক মৃত্যু হয়েছে কিছু বর্ষ পূর্বরু মানে ভালুপত্রারে গোটে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল তার বি এতকি বেল তো মানে পতা নাই ন তো এইলাগি জনসাধারণ অতাবিরার সুরক্ষিত মনে না করবার দোকান আমি দুইটা বন্ধ কলু 2:20 খনে আর দোকান মু 3:20-25 খুললা বেলু দোকান চুরি পছাড়ু সিন্ধি ফুঁড়ি যাইলে আনার চেন কানর হার 1.5 কিলো খনে সোনা সব বুঝলি ৭০ লাখ খনে হল মোর চার পাঁচ থর মোর দোকান চুরি হলাম থরে ডকাইতি হয়েছিল আরে ধনতেরস আগরু চুরি হয়েছিল এটা পুঁ চুরি হল সমস্ত ছেবিলটুঙ্গি রখিবা অধিক পাই আপনার ভিজিট করিপারে আমার ওয়েবসাইট অর্গস নিউজ নমস্কার।